यहाँ भोगाओं में लूट पड़ी है बीजेपी की, एक बल्ब जल रहा है और 2000 रुपए महीने बिल आ रहा है। युवा पूरा बेरोजगार है, भारतीय जनता पार्टी कुछ काम नहीं कर रही ढंग से, वो सब कागजों में काम हो रहा है उनका। किसान का सम्मान नहीं हो रहा, किसान की बेइज्जती हो रही है। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय धनी, डाउनलोड नाउ। बीजेपी का काम जो भी है वो सिर्फ कागजों में, जमीन पे कहीं दिखता है। अच्छा। हमारे गांव रूट आज तक दे दीजिए, क्योंकि आज मैं रात में भी जाऊंगा तो कहीं ना कहीं गिर जाऊंगी जब रूट। दूसरी बात, जो पीएम सम्मान वाली किस्त आ रही ना, वो खाली में रोक दी गई है, जब अब चुनाव 24 में आएगा तब डालेंगे, उससे पहले इनका कोई काम नहीं है। अच्छा। इतना युवा किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है? नहीं, वो कागजों में रुकी पड़ी है, कोई बोलता है इसकी जाँच नहीं है, कहीं बोलते वो नंबर नहीं, कोई नेपाल भूमि नहीं कर देते हैं, जमीन नहीं ढूंढ पा रहे। और भी बातें हैं कि इतना युवा बेरोजगार हो चुका है कि कोई पता नहीं है, क्या कोई गुंडा बनेगा क्या? हाँ। नहीं तो गुंडा बनेगा, तो आपने गुंडों की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी के ये कहना है कि जनता पार्टी कहने का मतलब ये है कि आदमी के पास कुछ कमाई रही नहीं है, वो आदमी जब खाने को नहीं होगा तब एक दूसरे पे छिड़ के ही खाएगा, तो वो गुंडा हो गए। कुछ लोग जेल लगा रहे हैं, कुछ अपने गाँव में, तो रोजगार होता तो आदमी आराम से काम से लगा होता। युवा पूरा बेरोजगार है, भारतीय जनता पार्टी कुछ काम नहीं कर रही ढंग से, वो सब कागजों में काम हो रहा है उनका, जमीन पर कोई काम दिखता नहीं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी का जहाँ गढ़ है वहाँ काम करते और कोई काम ऐसा ढंग का नहीं, जिससे जनता का कोई फायदा हो। डीएपी मिल नहीं रही है, किसान खाद के लिए बराबर परेशान है, लाइन में लगे हैं बहुत लोग, खाद मिल ही नहीं रही है। ये काम आज हो रहा है, जिससे पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं थी तभी खाद की इतनी नहीं पड़ी, अब आज खाद के लिए लोग परेशान हैं, और बोरी जो 1300 की थी वो 1600 की बोरी मिल रही है, तो जो महंगाई एक मुद्दा है। ये युवाओं का कहना है, ये युवाओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो नाकाम सरकार साबित हो रही है, आपका क्या कहना है बाबूजी? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। नाम है बिमल जी। बिमल जी, अभी आपने ये पूछा था क्या केंद्र में क्यों नहीं पहुँच रहे जी? केंद्र में तो पहुँच जाए, लेकिन जब ये मशीनें पहुंचन दे में। अच्छा। हाँ, अगर बैलेट पेपर से हो जाए तो केंद्र में भी पहुंच जाएंगे और यूपी में भी पहुंच जाएंगे। ईवीएम रहेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी भी उठा नहीं सकता कब जिंदगी। दूसरी चीज, किसान का सम्मान बहुत हो रहा है। अच्छा। जिसके घर में 5-6 लोग हैं तो 3 रुपए रोज सम्मान हो रहा है। अच्छा। जोड़ लीजिए कितना पड़ रहा है, एक आदमी का 3 रुपए का सम्मान है। किसान का सम्मान नहीं हो रहा, किसान की बेइज्जती हो रही है। सम्मान निधि नहीं है, बेइज्जती निधि है। बिना पैसे कोई। दूसरी चीज, किसान कुछ करे भी बेचारो रात भर साड़े ही रहे दे तू। अच्छा। सब खेत ही खाए लेते, कहीं भाई अगर रिश्तेदारी में जाए, अगर एक दिन चलोगे तो सवेरे खेत साफ। अच्छा। रिश्तेदारियों भूलियो, ब्याह शादियों भूलियो, बीजेपी जो है बिल्कुल मारे ही ढाते आदमी। अब नेताजी की बात रही, मैनपुरी में जो नेताजी ने काम किए हैं वो बीजेपी कभी नहीं कर सकती। पहले लोग यहाँ मैनपुरी से कुसमरा तक नदी का पुल कहीं नहीं था, और जब नेताजी की सरकार आई तो वहाँ से यहाँ लगभग इतने पुल बनवा दिए कि कोई समस्या नहीं, रोड है सब सही थी। अब चारों तरफ है वो खुद ही पड़ी जगह, जे बीजेपी को है जू नको कहीं कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ भोगाओं में लूट पड़ी है बीजेपी की, और अगर नहीं हमारी बात मान रहे तो आप मैनपुरी रोड से पहुँच के तहसील के इस तरफ जाके देख लेना, जो बड़ी बड़ी बाउंड्रियाँ बनाई गई हैं वो बीजेपी की हैं। अच्छा। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के और भी तमाम एजेंडे हैं जिनको लेकर के वो बात करती है। वो कहती है कि केंद्र में, केंद्र की जो योजनाएं हैं जैसे किसान सम्मान निधि है, या फिर जनधन योजना है प्रधानमंत्री की, या फिर आवास योजना है, आवास योजना के तहत गरीबों को आवास मुफ्त मिल रहे हैं, 2.5 लाख रुपए मिलता है उनको आवास बनाने के लिए, या फिर अन्य धन योजना है जिसके तहत राशन मुफ्त मिल रहा है। पूरे कोविड भर बताया कि उन्होंने 5-5 किलो राशन जो है वो प्रति कैंडिडेट दिया है, तो उन सब योजनाओं पर क्या समाजवादी पार्टी का ये विकास भारी पड़ेगा? नहीं, कोविड में ये भी हुआ है कि वो मिल रहा, अनाज भी मिल रहा, लेकिन वो मिली पूरी गंगा जी मुद्दन से भद्दे के जरा जगह नहीं मिली ना, बीजेपी तो थी। लोग मरिए दिल्ली से तो और बाहर तक गए पैदल चल के, एक महीना चले, क्या सवारी नहीं थी, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी,
कि वो राशन दे दिया, केवल 2 किलो राशन दे दो ता से ही खुश है। पानी का चौका लगा लिया क्या? यहाँ बिजली बिजली फ्री, बिजली फ्री, मीटर ठोंकी दे और आधार कार्ड की फोटो ले, फिर का तुम फिर उसकी जरूरत नहीं घर वाले की। बिल अपने आप आ रहा है, एक बल्ब जल रहा है और 2000 रुपए महीने बिल आ रहा है। क्या कहना चाहते हैं? बोलो क्या कहना चाह रहा है? क्या कहा बताओ? क्या समाजवादी पार्टी की जो सरकार यहाँ पर रही है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? समाजवादी पार्टी बिल्कुल संतुष्ट है, संतुष्ट है। किस किन बातों से संतुष्ट है, किन चीज किस चीज से? पहली बात, जो रोडें ये बनी हुई हैं, रोडें बनी हुई हैं, हाईवे से लेके आप कहीं भी जाइए, ये समाजवादी पार्टी ने बनाया, समाजवादी पार्टी ने बनाया। आज ये लग रहा है कि सड़क पे गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है, ये ही नहीं पता लग रहा है। एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, कहाँ किस जगह, किस जगह नहीं हो रहे हैं? आप जी नहीं देते? नहीं, मैनपुरी में हो रहे हैं। मैनपुरी में हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे? तो मैनपुरी में तो समाजवादी पार्टी सरकार है। समाजवादी पार्टी की सरकार तो है, लेकिन सरकार ऊपर से नीचे तक तो है तो नहीं, बीजेपी की है भाई। हाँ, समाजवादी पार्टी क्यों है ये आप नहीं देख रहे हैं? आप जो देख रहे हैं, 42 फुल डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव ने दिए थे। अच्छा, आप तक बीजेपी ने डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में क्या काम कराया ये बताओ? एक काम लेके आए कि ये काम कराया, 10 बीघे आलू गाड़े, सब दिन दुकान चलाए, रात भर साणर रखाए, अब तुम बताओ क्या करें? दो में तो एक भी कर पाई है, अब दुकान हम शटर मारे, हम आलू रखे हैं, 3 लाख रुपया लागत लगी है, कज्जब रुपया लोग अब करें कहा? हम तुम बताओ डीएपी कीमत मालूम तुम्हें कितनी है? 1300 रुपया गद्दे ही है, 1300 रुपये डीएपी वो कर दी है, कीमत सरकारी कीमत है, लेकिन बाजार में मिल रही है 1600 रुपये, कहाँ से आ रही है भाई? ये धांधली कहाँ से चल रही है, ऊपर से लेके नीचे तक धांधली चल रही है बीजेपी वालों की, आप क्या समझ रहे हैं? तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो भोगांव की जनता है वो नाखुश है भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र की सरकार से, और उनका यही कहना है कि मैनपुरी उपचुनाव में तो समाजवादी पार्टी की सरकार रहेगी ही, साथ ही 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, सॉरी समाजवादी पार्टी की ही सरकार रहेगी।